Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन डिश अप्पम, इसे अप्पे भी कहते हैं। इसको बिना राइस, बिना उड़द दाल और बिना इनो के बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल मूंग दाल लिया है, इसको अच्छे से धुलकर इसको सुखा लेंगे। इस तरह से इसको भिगोना भी नहीं पड़ेगा और मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा। अब मैं इसको मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस लूँगी और ये देखिए बहुत अच्छे से पिस गया है। इसके बाद एक बाउल सूजी ले लिया है। अब एक बड़े बर्तन में मूंग दाल और सूजी को डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें दही भी ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें एक बाउल पानी ऐड कर दूँगी। पानी को मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। जो बचा हुआ पानी है उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से ढककर रख देना है। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इसमें ना इनो डालने की ज़रूरत है ना बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है। बिना इन सारी चीज़ों के भी ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। मैंने मीडियम साइज़ का चॉप्ड येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ का चॉप्ड टमाटर और ग्रेटेड गाजर ले लिया है। आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए मिर्चे ले लिए हैं, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, और ये 1/2 टेबल स्पून राई ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को जो मैंने बैटर बनाकर रेडी किया है उसमें ऐड कर दूंगी। सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें राई भी ऐड कर दे रही हूँ और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर बहुत ज़्यादा थिक है इसलिए मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। बैटर आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। लास्ट में मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दे रही हूँ। ऑयल डालने से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बनाते टाइम ऑयल भी कम लगेगा। और ये बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 अप्पे पैन ले लिया है, उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और इसमें ऑयलिंग कर दे रही हूँ। अब इसमें बैटर ऐड कर देंगे। खानों में आप बैटर को ज़्यादा फिल नहीं करिएगा क्योंकि ये सिकने के बाद फूलेगा भी। अब इसको मीडियम फ्लेम पर करके ढक देंगे और थोड़ी देर बाद इसको चारों तरफ से सेकना है ऐसे घुमाकर, जिससे कि हर तरफ सिक जाए। घुमाते टाइम फ्लेम को आप थोड़ा हाई कर दीजिएगा और बीच में आप 1-2 बारी अप्पे को चेक कर लीजिएगा। 5 मिनट हो गया है, अब इसको चेक करके देखते हैं हो गया है या नहीं। और ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है। सारे अप्पे को ऐसे ही पलट लेना है जिससे कि ये दोनों तरफ अच्छे से हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से ढक देंगे और ये देखिए अप्पे दोनों तरफ बहुत अच्छे से सिक गया है। अब इसको निकाल लेंगे और दूसरा बैटर डाल देंगे इसमें। अप्पे को होने में कम से कम 10 मिनट लगता है। अब मैं दूसरी बार बैटर को डाल दे रही हूँ। ठीक उसी तरह डालना है जैसे मैंने पहले किया था। अगर आपको अप्पे को चेक करना है कि ये हो गया है या नहीं तो आप किसी फोक या नाइफ से चेक कर सकते हैं। अगर नाइफ या फोक में कुछ भी लगता नहीं है तो समझ लीजिए हो गया है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको उनके टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इसको सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। और ये रही नारियल और आंवले की चटनी। अगर आप इस चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मैं आगे के वीडियो में शेयर कर दूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।